हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की बात करें तो आप लोगों को आज के दिन इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड का केस सामने आया है। ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीस का यहां पर से फ्रॉड सामने आया है। तो ये 400 करोड़ रुपीस का जो फ्रॉड है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और एक और यहाँ पर से दो तरह की न्यूज़ है, एक ये फ्रॉड वाली न्यूज़ है और दूसरी न्यूज़ की बात करें तो फंड रेजिंग की है। तो ये दोनों न्यूज़ के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 100% से वीडियो अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर से सबसे पहले हम बात करें कंपनी का, यहाँ पर से फ्रॉड वाली जो न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डायरेक्टली पहले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा फ्रॉड देखने मिल रहा है, कितने करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड है, किसने किया है और यहाँ पर से आने वाले समय में ये जो NPA में गिना जाएगा कि नहीं, NPA नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में गिना जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना, आप लोगों को 100% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यस बैंक की आज की ये न्यूज़ है। अभी यहाँ पर से एक दो घंटे पहले ही यहाँ पर न्यूज़ आई, आप लोग देखो 7:30 बजे इस कंपनी के 7:25 पर ये न्यूज़ आई है और 7:35 पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है मैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का जो यहाँ पर न्यूज़ क्या सामने आ रहा है, आप लोग देखोगे तो यस बैंक द प्राइवेट लेंडर लेंडर्स बोर्ड विल बी मीट टूडे टू कंसिडर फंड रेजिंग। तो मतलब यहाँ पर से जो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका जो मीटिंग था आज के दिन हो चुका है और ये जो फंड रेजिंग के ऊपर इनका यहाँ पर आज के दिन पूरा टॉपिक रहने वाला था, सब्जेक्ट रहने वाला था, उसके ऊपर इन्होंने एक अच्छा न्यूज़ सामने लेकर आया है उस यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो आज के लिए इस वीडियो में बताऊँगा। पहले यहाँ पर से जो फ्रॉड वाली जो केस है, फ्रॉड का जो केस है वो देख लेते हैं। तो दूसरी वाली न्यूज़ सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर से न्यूज़ क्या निकल के आ रही है आप लोग देखोगे, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टूडे फील्ड अ केस अगेंस्ट बिलियनर गौतम थापर के कोच है, ये गौतम थापर करके ये एक बिलियनर है, उनके ऊपर यहाँ पर से आज के दिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस लगाया है। कौन सा केस लगाया है, केस अगेंस्ट गौतम थापर। तो यहाँ पर से ये न्यूज आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या बताया गया है, फाउंडर ऑफ द ये गौतम थापर कौन है, फाउंडर ऑफ द अवंता ग्रुप के ये फाउंडर है एंड अदर्स। तो यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है कि, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजली डिफ्रॉडिंग यस बैंक टू द टर्न ऑफ 466 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर से इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ये गौतम थापर है इन्होंने यहाँ पर से यस बैंक के अंदर 466 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से फ्रॉड किया है, या यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि कंपनी को यहाँ पर से यस बैंक को चुना लगाया है। तो यहाँ पर ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा फ्रॉड का जो मामला है वो अभी यहाँ पर पहुँच गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास और उन्होंने केस भी फाइल कर दी है, जो यहाँ पर से इस बंदे के ऊपर केस करने फाइल करनी होती है वो केस भी फाइल हो चुकी है, ठीक है। तो अभी जो भी यस बैंक के ये शेयर होल्डर्स हैं इन लोगों को ये जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को मेंशन किया है। अभी दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से जो फंड रेजिंग के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी, तो यस बैंक का यहाँ पर से लोगो है आज के दिन ही ये न्यूज़ आई है। और यहाँ पर नीचे की तरफ चल देते, यहाँ पर जो यस बैंक के रिगार्डिंग जो फंड रेजिंग की न्यूज़ थी उसके ऊपर यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, जो ऊपर लेवल मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं इन्होंने क्या बोला है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखो यहाँ पर से जो सेकेंड न्यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज के दिन 10 जून को यहाँ पर सी ये मीटिंग एंगेज मतलब बन मीटिंग करी थी और ये मीटिंग का जो टॉपिक था वो फंड रेजिंग से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पर से अप्रूवल के लिए ये पूरा मीटिंग करा गया था, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर से अप्रूवल मिल चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है यहाँ पर से शेयर होल्डर्स के द्वारा टू कंसीडर बोरोइंग एंड राइज फंडिंग। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि ये कंपनी बोरोइंग ले रही है या आप लोग बोल सकते हो फंडिंग राइज कर रही है। तो मेरे हिसाब से बोरोइंग बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से एक अच्छी बात नहीं है। जो ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए या यहाँ पर से कोई अच्छे काम के लिए ये बोरिंग ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी यार इस कंपनी के अंदर यहाँ पर और ज़्यादा बोरिंग और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग
लोग देखोगे इंडियन फॉरेन करेंसी अप टू एन अमाउंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से बोरोइंग की बात चल रही है, और ये इसका अप्रूवल भी मिल चुका है। मतलब जो 10,000 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग यहाँ पर से अप्रूवल मिल चुका है, और ये जो 10,000 करोड़ रुपीज़ कैसे लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड मीडियम टर्म लोन्स मीडियम टर्म नोट्स। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा यहाँ पर से लोन लिया जाएगा। देखो यहाँ पर से बताया गया है एक तो डेट सिक्योरिटी, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नॉन लिमिटेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स मीडियम टर्म नोट्स के द्वारा यहाँ पर से लोन लिए जाने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया लोन किस तरह के से लेने वाला है ये जो कंपनी है वो। देखो इसमें मेरे को एक अच्छी शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात क्या लगी पता है, ये जो शेयर होल्डर्स के लिए जो ये बॉन्ड मतलब ये पूरा पूरा फंड राइज करने वाला है ना वो यहाँ पर से बॉन्ड के द्वारा कर रहा है, ये एक मेरे को अच्छी चीज़ लगी। कोई कोई कंपनी ऐसा भी गलती करती है अपने जो प्रमोटर्स है अपना जो शेयर है उसको मतलब बेच देते हैं या यहाँ पर से प्लेज कर देते हैं उससे फंड रेजिंग करती है, तो यहाँ पर से इसको यहाँ पर से प्रमोटर को भी नुकसान होता है और उसके साथ साथ उसके जो शेयर होल्डर्स है उनको भी नुकसान होता है, उनका जो भरोसा है प्रमोटर्स के ऊपर कंपनी के ऊपर वो यहाँ पर से कम होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इसी की वजह से ये दोनों की दोनों न्यूज़ आप लोग देखोगे तो पहली न्यूज़ तो ख़राब ही है 466 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड हुआ है यस बैंक के अंदर, और उसके बाद दूसरी न्यूज़ की बात करें तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं नज़र आ रही है। एक अच्छी बात है कि ये जो लोन है आप लोग लोन तो नहीं बोल सकते, ये बोरोइंग है या फंड रेजिंग है वो अच्छी तरीके से बॉन्ड्स के द्वारा यहाँ पर से कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। अभी यहाँ पर लोग बोलोगे कि यार यहाँ पर कल के दिन इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा पड़ेगा बाजार के ऊपर, क्या हो सकता है इसके अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर से यस बैंक की बात करें तो यस बैंक के अंदर आज के दिन यहाँ पर से 2.8% की रिसीज देखने को मिली थी, और कंपनी का यहाँ पर से जो शेयर का प्राइस है वो 14.6 रुपीस पर चल रहा है। यहाँ पर कंपनी का 5 दिन की 7% का रिटर्न दिया है, और 1 मंथ की बात करें कंपनी ने यहाँ पर से 11% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ की बात करें 25% का नेगेटिव में रिटर्न है, और 1 ईयर की बात करें तो 51% का नेगेटिव में रिटर्न चल रहा है। 5 ईयर्स की मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो अच्छा नहीं देखने मिल रहा है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट देखेंगे हम। यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोगों को कंपनी का जो यस बैंक का यहाँ पर से आप लोग देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं चार्ट पैटर्न, तो आप लोगों को हर बार एक चीज़ कॉमन है इसके अंदर अचानक। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, देखो 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखो यहाँ पर से हर बार इस ऐसी तरीके से रैली देखने को मिलती है, उसके बाद यहाँ पर से गिरावट आती है, उसके बाद अगेन रैली देखने को मिलती है गिरावट आती है, उसके बाद थोड़ी रैली देखने को मिली उसके बाद फिर गिरावट हुई, उसके बाद फिर रैली देखने को मिली फिर गिरावट हुई, फिर गिरी फिर रैली फिर गिरावट फिर रैली कंसोलिडेशन फिर रैली, यहाँ पर से गिरावट होने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ यस बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अभी पैसे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर से इस कंपनी के अंदर ज़्यादा नहीं पर आप लोग बोल सकते हो अपने पोर्टफोलियो का, अपना जो पोर्टफोलियो है 1 लाख रुपीज़ का है 1 लाख रुपीज़ का है, तो आप लोग क्या करो बस 1,000 रुपये है ना आप लोग यस बैंक में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये तो ऐसे ही चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। 1,000 से ज़्यादा आप लोग बिल्कुल भी लगाना नहीं है इस कंपनी के अंदर। बाकी तो यार आप लोगों के जो शेयर है आप लोग सोचोगे कि यार 5 पैसा 10 पैसा 1 रुपये भी बढ़ जाएंगे तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ऐसा होता है यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, पर इतना ज़्यादा रिस्क लेकर बिल्कुल भी शेयर मार्केट में नहीं रहना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि यार आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए पर थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लो, आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा ठीक है। इस शेयर को आप लोगों को किस प्राइस पर लेना चाहिए मेरे हिसाब से पता है आप लोगों को, यहाँ पर इसका जो लो है 12 रुपीज़ के आसपास, 12 या यहाँ पर से 13 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी के शेयर को लेना चाहिए। अभी इस लेवल पर बाइंग मत करना या सेलिंग भी मत करना ठीक है, आप लोग बस अपने पास है तो होल्ड करो, और बाइंग करना है तो 11 रुपीज़ के आसपास 12 रुपीज़ के आसपास कर सकते हो ठीक है। तो बस सर आज के लिए नहीं, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, गुड बाय ऑफ गुड बाय फिर मिलता नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, तो गुड बाय।